कम बैक। आज बीएससी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे बीएससी स्टॉक में क्या एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ और मोमेंटम आ सकता है या फिर एक आएगा यहाँ से करेक्शन। तो बीएससी स्टॉक का आज का क्लोजिंग आया 1431 रुपया, जो कि आज 3.65% अप है कल से। आप देख सकते हैं पिछले एक साल में नियरली 2023 में बीएससी ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। अच्छा खासा क्या मतलब 2x 3x भी पैसा बना के दिया है, जो कि वो मोमेंटम चालू हुआ था नियरली 450 रुपये से। 450 से स्टॉक ने नियरली हाई मारा है 1470-75 रुपये का। अभी देखते हैं किसी को यहाँ से एक फ्रेश बाइंग करना है तो वो कब कर सकता है, अगर किसी को यहाँ से सेल करना है तो कब कर सकता है। तो स्टॉक का पहले हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। तो नीचे का सपोर्ट है स्टॉक के लिए, जो कि है 1150। अगर स्टॉक 1150 के नीचे क्लोजिंग देने लगता है तो स्टॉक में एक अच्छा खासा नीचे की तरफ करेक्शन आ सकता है, जो कि स्टॉक को फिर से 800 से 900 रुपये तक भी पहुंचा सकता है। लेकिन जब तक स्टॉक 1150 के ऊपर है, स्टॉक में पॉजिटिविटी मोमेंटम बनते रहेगा। अगर किसी को अभी यहाँ फ्रेश बाइंग करना है तो वो 1500 का वेट करे। एक बार 1500 का ब्रेकआउट आता है तो हम लोग का पहला टारगेट रहेगा 1700, फिर दूसरा टारगेट अगर उसके ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम मतलब कि सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट हम लोग का 2000 भी रहेगा। लेकिन अभी देखते हैं, मेरे हिसाब से लगता है यहाँ पे करेक्शन आ सकता है स्टॉक में, जो कि स्टॉक को 1150 1150 तक भी लेके आ सकता है। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो 1200 का लेवल परफेक्ट रहेगा। 1200 के पास स्टॉक आएगा तो एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, जो कि हम लोग का पहला टारगेट रहेगा 1200 बाइंग का 1400, फिर उधर आसपास थोड़ा सस्टेन करता है तो फिर हम लोग का दूसरा टारगेट रहेगा 1700। थैंक यू।